बहुत अच्छा था जब एक दूसरे के हुकूक का पता था, अब हुकूक का नहीं पता, लिहाजा इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग। मैं सरदर्द का मरीज हूं, थोड़ी थकावट शुरू हो जाती, फाका शुरू हो जाता, तो मैं रोजे रखने के लिए मरी चला जाता हूँ कि भाई चलो कुछ ठंडक, रोजे का लंबा होना और ठंडक शायद उसको कुछ वो बैलेंस कर देता है, तो मैं कुछ तीन चार रोजे फिर भी छूट जाते हैं लेकिन अक्सर पूरे हो जाते। तो भुरबन में वहाँ एक जगह मैं ठहरता हूँ, तो असर के बाद मैं थोड़ा बयान करता हूँ मुआशरत पर। तो पहली दफा जब मैं वहाँ ठहरा तो आठवें दिन इमाम मस्जिद की बीवी आई हमारे पास, मेरी बेगम के पास, कि जी बेगम साहब मैंने आपका और मौलाना का शुक्रिया अदा करना है कि आज मेरी ज़िंदगी का पहला हफ्ता है मेरे खामिंद ने मुझे मारा नहीं, पहला हफ्ता। इमाम मस्जिद, इमाम मुसल्ले पे खड़े होने वाले, कहा पहला ज़िंदगी का हफ्ता है मेरे खामिंद ने मुझे मारा नहीं, वरना मेरी हर दूसरे दिन पिटाई होती थी। और दसवें दिन इमाम साहब खुद आ गए, कहा मौलाना साहब हमें पता ही नहीं था ज़िंदगी कैसे गुजार, हमारे जो माहौल में था हम वही कर रहे थे। कहा मेरे बहनोई ने मेरी बहन की एक दफ़ा टांग तोड़ी, एक दफ़ा बाजू तोड़ा, और आलिमे दीन है, आलिमे दीन है, हमें किसी ने यह बताया नहीं था, हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये बातें आपके मुँह से सुनी कि ज़िंदगी कैसे गुजार। तो फरहान की जिंदगी फतवे से नहीं चलेगी कि मैं मुफ्ती नईम का बेटा हूं, यह तो हुस्न अखलाक से चलेगी, मीठे बोल से चलेगी। मेरे नबी हजरत आयशा को लुकमे बना के खिलाते थे, कोई इजहार इश्क था, अल्लाह की कसम इजहार तालीम था, तालीम थी, सिखाया कि जिंदगी गुजारनी कैसे। उनको आटा गूंद के देते थे, चूंकि अभी शुरू शुरू में उनको आटा गूंदना नहीं आता था, तो आटा गूंद के देते थे, और अरब बड़ी बड़ी बोटियां पकाते थे, तो हज़रत आयशा बोटी उठा के ऐसे नोचती और फिर रख देती, तो अल्लाह के नबी बोटी उठाकर जहाँ से हज़रत आयशा ने नोचा होता था वहाँ से नोच नोच के दिखा के खाते थे। मेरे रब की कसम इजहार ये हमें तालीम दी है कि ज़िंदगी कैसे गुजारें। फिर बड़े बड़े प्याले होते थे पानी पीने के, छोटे गिलास नहीं, छोटा गिलास तो बुखल की निशानी, अब तो और छोटे हो गए कि कप को गिलास बना दिया। मेरे बचपन में मुझे याद है इतना बड़ा गिलास होता था, और डेरे में जितने मेहमान होते थे, कच्ची सड़कें होती थी, मेहमान कोई हमारे रिश्तेदार या दोस्त नहीं, राहगीर मुसाफिर होते थे, हर मेहमान को दूध पिलाया जाता था रात को, क्योंकि जानवर ज़्यादा होते थे तो हमारा इकराम ज़्यादा से ज़्यादा यही होता था, तो हम सारे मेहमानों को दूध पिलाते थे। तो एक मेहमान आया हमारे दादे का ज़माने का, चाचा लाल, अब गिलास छोटे हो चुके हैं, तो वो जब नौकर ने दूध पेश करने के लिए ना आगे बढ़ा तो उसने गिलास देकर कहने लगा पुत्र मैं नहीं पींदा, समझ रहे हो पंजाबी समझ रहे हो ना, पुत्र मैं नहीं पींदा। उसने कहा चाचा क्यों नहीं पीना है, आखिर दो तू वध पीवा ते बेगैरत बना ते दो नाल मेरा गुजारा कोई नहीं, ले जा। तो बुखल का जमाना आ गया, छोटी छोटी गिलासी आ गई, तो बड़े बड़े गिलास होते थे, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पानी पी रहे हैं, रख दिया मेरे नबी उठाकर जहां हजरत आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ रख के पानी पीते थे। सिर्फ तालीम, जिस हस्ती ने अल्लाह को आंखों से देख लिया हो उसको किसी चीज की रगबत हो सकती है? जन्नत भूल जाएगी जब अल्लाह अपना दीदार कराएंगे, अपे पर्दा पोशी फरमाएंगे, तो कहेंगे या अल्लाह जन्नत नहीं चाहिए, तू चाहिए, बस तुझे देखते रहें, बैठे रहें, तसव्वुर जाना किए हुए अज लज्जत दीदार, खुसरो च तमा गुफ्तन सर दादन जान दादन ना दीदा रुख यारे। अमीर खुसरो कह रहे हैं कि या अल्लाह बिन देखे तेरे लिए लोग सूलियों पे चढ़ गए, औरों से चिर गए, छुरों से कट गए, बिन देखे तेरे इश्क में जब तुझे देखेंगे तो क्या हाल हो। अज लज्जत दीदार खुसरो चवा गुफ्तन सर दादन जहाँ दादन ना दीदा रुख यार। तो जिस हस्ती ने अल्लाह को देखा हो उनके लिए औरतों की क्या 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 रगबत है, ये सिर्फ सिखा। एक हदीस सुना दे, मा तज़व्वज तो वमा ज़व्वज तो इल्ला बेवाहियन मिन समा नज़ल बिही जिब्रील, लोगों मैंने जहाँ शादी की, मैंने जहाँ बेटी दी, पहले आसमान से वही आई फिर मैंने कदम उठाया। अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए थी, मैं सिखाने के लिए।
सफर से वापसी हो रही है, ठीक है, आपने सहाबा से कहा चलो भाई तेज हो जाओ, वो सारे तेज हो गए, यहां तक के नजरों से गायब हो गए, ठीक। तो अब कौन रह गए? अम्मा आयशा और मेरे नबी। तो अम्मा आयशा नहीं, मेरे नबी ने कहा आयशा दौड़ लगाए, दौड़ लगाए, गल लगाए, अल्लाह अकबर, मुफ्ती नईम का इतना बड़ा पेट, ये दौड़ लगाएगा बेगम के साथ, और मौला मंजूर मैंगल का उससे भी बड़ा हो गया, ये लगाएंगे? तो आयशा दौड़ लगाए, खजी लगाए, तो हजरत आयशा फरमाती मैं आगे निकल गई लेकिन अभी पीछे रहे। फिर कुछ अरसा गुजर गया, कई साल गुजर गए, फिर एक सफर से वापसी हो रही, आपने कहा भाई भाई आगे जाओ, वो सारे आगे जागे उछल हो गए, आपने कहा आयशा दौड़ लगाए, कहीं लगाए, तो कहा उन दिनों में मोटी हो गई, तबदंत का लफ्ज मुझे याद है, कहा मैं मोटी हो गई थी, तो जब दौड़ लगाई तो अल्लाह के नबी आगे निकल गए, तो आपने कहा आयशा हाद ही बेतिल का तू मैं बराबर हो, अल्लाह की कसम जिंदगी समझाने के लिए। जिहाद का सफर, सारा सहाबा का काफिला है, जंग का जमाना है, दुश्मन चारों तरफ है, और हम अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ऊंट पे बैठी और हाथ लगाया तो हार गायब, फरमाए मेरा तो हार कोई नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरा हार ढूंढो। तो मेरे नबी ने नहीं फरमाया चल बैठ, इतने लोगों को तू परेशान करती है, तुझे पता नहीं मैंने सबक पढ़ाना तो मेरे पीछे पड़ गई, तलबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा भाई आयशा का हार ढूंढो, सब ढूंढने में लग गए, शाम हो गई, सूरज छुप गया और हार नहीं मिला, और उसके बाद तलाश बंद हो गई, अंधेरे में कहां मिलेगा। अब क्या हुआ, पानी रात को ईशा में खत्म हो गया, फजर की नमाज का वक्त दाखिल होने वाला हो गया और पानी कोई नहीं, तयम्मुम की आयत नहीं उतरी, लोगों ने अबू बकर को ताने देने शुरू किए, तेरी बेटी की वजह से अब नमाज का क्या बनेगा। अबू बकर गुस्से में आए अम्मा आयशा के खेमे में, तो अल्लाह के नबी गोद में सर रखे सो रहे थे, अब आप तो बाप थे, तो आकर अब बोल तो सकते नहीं और चेहरे से दूरी तेरी वजह से ही हो, और यहां पसली में मारी उंगली, जोर से उंगली मारी, तो कहते मैं ऐसे सख्त हो गई ताकि मेरा बदन हरकत ना करे कि कहीं अल्लाह के नबी उठ ना जाए, तो चेहरे से गुस्से का इजहार करके, और मेरे वालिद मरहूम जो थे ना वो गालियां बहुत निकालते थे, उनकी बख्शिश कर, पंजाब के जिम्मेदार क्या थे, जब मैं तबलीग में लग गया तो अब वो आदत मुझसे शर्माते थे, तो जब मैं होता था ना तो नौकर को बुलाकर उसको जवानी की आदत बुढ़ापे में तो जा नहीं सकती थी, तो फिर ऐसा ऐसा गालियां निकाल अपना कोटा पूरा कर लेते थे। तो अब अगर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इस में के कहीं भाई अल्लाह के नबी उठने करते लोग उंगली मारते रहे, तो अल्लाह ने आयात तयम्मुम उतार थी, इस मौके पर तयम्मुम की आयात पहली दफा 8,000 साल में यह होने लगा है। भला मिट्टी से आदमी साफ होता है और गंदा हो जाता है, अल्लाह का नहीं नहीं फतयम्मम, चलो तयम्मम करो। अब सारे सहाबा में खुशी की लहर, और साद बिन उबादा कहने लगे आले अबू बकर ये पहली तो नेमत नहीं है जो तुम्हारे घराने के तुफैल हमें मिली है, इससे पहले भी बड़ी नेमतें तुम्हारे घर की तुफैल हमें मिली हैं, अल्लाह ने तयम्मम की आयत उतार। मेरे नबी ने काफिले को नहीं चलाया यहां तक कि हजरत आयशा ने कहा अच्छा या रसूलुल्लाह अब चलें, हार को छोड़ें, फिर मेरे नबी चले, और जब ऊंटनी को उठाया तो हार उसके नीचे पड़ा हुआ था, वो सारा बाहर ढूंढते रहे, हार नीचे चला गया था गिरकर। ये मेरे नबी की जिंदगी है, ये मैंगल साहब से कहता हूं पढ़ाएं, मुफ्ती नईम से कहता हूं ये जिंदगी पढ़ाएं, इनकी बीवियां इनको दुआएं दें, इनके माँ बाप इनको दुआ दें, इनकी औलाद इनको दुआ दे। वो बाप नहीं है जिसको देख के बच्चे डर जाएं, वो थानेदार है, थानेदार बैठो है, वो उस्ताद नहीं जिसको देख के शागिर्द डर जाए, वो थानेदार है, वो खामिद नहीं है जिसको देख के बीवी सहम जाए, वो थानेदार है, खामिद वो है
जिसको देख के बीवी खुश हो, बाप वो है जिसको देख के औलाद खुश हो, उस्ताद वो है जिसको देख के शागिर्द खुश हो। अपने मस्नूई रूप जमाना कि उस्ताद की हैबत होनी चाहिए, अरे हैबत मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत से इल्म मुंतकिल होता है, हैबत से नहीं होता। मोहब्बत से जाकर फ्रीक्वेंसी मिलती है, कॉल मिलती है और भाई जज्बात मुंतकिल होते हैं। तुम हैबत बिठाने के चक्कर में